लवली स्टूडियो लखनऊ की तरफ से ये एक सुंदर सा दहेज गीत आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। मैं सातवीं पंडित अनीता शर्मा चंचल जी की तरफ से एक छोटा सा दहेज गीत आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ। भक्तों, हमारी इस समाज में जब से दहेज राक्षस ने डेरा डाल लिया है, तब से ना जाने कितनी निर्दोष गरीब की बेटियां मारी जा रही हैं दहेज के कारण। और धनवान के घर यदि गरीब की बेटी ब्याही जाती है तो उसकी क्या दशा होती है, आइए इस गीत के माध्यम से आप लोग श्रवण करेंगे। एक गरीब पिता अपने पुत्री का विवाह एक जाकर के धनवान के घर में कर देता है, और बेटी जब ब्याह करके ससुराल को जाती है तो उसका कैसा मान सम्मान करते हैं। हर एक चीज के लिए उसे परेशान करने लगते हैं, और निर्धन की बेटी को इतना दुख देना शुरू कर देते हैं कि वो बेचारी गरीब की बेटी ना तो किसी से अपने दुख कह पाती है और ना ही कोई संदेशा भेज पाती है। इतना कड़ा शासन कर दिया ससुराल वालों ने कि वो बेटी एक पत्र लिखने के लिए एक पेन भी नहीं पाती है, कोई कलम भी नहीं पाती है। तो एक दिन वो गरीब की बेटी अपने अंगुली को काट करके अपने खून से लिखना एक पत्र अपने माइके के लिए शुरू कर देती है। और क्या लिखती है कि अंगुली के खून वास लिखे चिट्ठिया, अंगुली के खून वास लिखे चिट्ठिया, माई से ही होता ए माई से ही होता घर से तुम्हारे बिटिया, माई से ही होता घर से तुम्हारे बिटिया। पहले क्या लिखती है अंगुली के खून वासे चिट्ठिया लिखते हैं, अंगुली के खून वासे चिट्ठिया लिखते हैं, चिट्ठिया पे अपनी खबरिया लिखते हैं,
उंगली के कोने बाते चिट्ठियां लिखते हैं, चिट्ठियां पे आप की खबरियां लिखते हैं। माई को लिखे नमस्कार बिटिया, माई को लिखे नमस्कार बिटिया, माई से ही औका घर से तुम्हारी बेटी क्या लिख रही है अपने माई के लिए और क्या कहती है मैया। तुम तो कहे वो माई जायो ससुरलिया, तुम तो कहे वो माई जायो ससुरलिया, तुम तो कहे वो माई जायो ससुरलिया, तुम का बुलाए या पहला गई मुजेरिया, भेजो नाही चिट्ठी या नली लो खबरिया, माई भेजो नाही चिट्ठी या नली लो खबरिया, माई से ही होगा घर से तुम्हारी बिटिया, माई से ही होगा घर से तुम्हारी बिटिया। अंगुली के फूले पास लिखे चिट्ठिया, माई से ही होगा घर से तुम्हारी बिटिया, माई से ही होगा घर से तुम्हारी बिटिया। रो रो करके क्या कर रही लिख रही है कि अरे मैया, जो तुमने हमारा विवाह किया है, अरे क्या हमारे भाग्य में ऐसा ही दुख भोगने को लिखा था। अरे मैया, जिसके साथ में मैंने सात भावरी घूमी है, जीवन भर साथ निभाने का जिन्होंने मुझसे वादा किया है, अरे मेरी मैया, वो मेरी कैसी इज्जत और सम्मान करते हैं। सुन मैया, घर के घरैया पेट भरा भाई मारे, घर के घरैया पेट भरा भाई मारे, तेरा घर अब तई दरिया रे, तेरा
घर के घरैया पति भोरा माई मारे देवरा घर अमुताई गरिया रे ससुरा कहाई लगाई देऊ अगिया माई ससुरा कहाई लगाई देऊ अगिया माई से ही योगा घर से तुहारी बिटिया माई से ही योगा घर से तुहारी बिटिया इतनी बात तो माता जी के लिए लिखा उस बेटी ने और एक बात अपने पिता के लिए वो बेटी लिखने लगी कि हे पिताजी जो तुमने वादा किया था हमारी ससुराल वालों से जो तुमने वादा नहीं निभाया है उसकी सजा मुझे मिल रही है पिताजी अरे सुनो तुम तो कहे हो बापुल अब तिल काटो बापुल गन्ना की फसलिया अब तिल काटो बापुल गन्ना की फसलिया जाने को ले दो मोटर साइकिलिया अब तिल काटो बापुल गन्ना की फसलिया साजने को ले दो मोटर साइकिलिया नाही ताऊ पई हम हमारी लहसिया बाबले नाही ताऊ पई हम हमारे लहसिया माई से ही योगा घर से तुम्हारी बिटिया माई से ही योगा घर से तुम्हारी बिटिया ए हम अंगुली के फूल माच लिखे चिट्ठिया माई अंगुली के फूल माच लिखे चिट्ठिया माई से ही योगा घर से तुम्हारी बिटिया माई से ही योगा सिर्फ कहना है क्या जब से हमारी इस समाज को दहेज राक्षस ने डेरा डाल लिया है हमारी इस देश में तब से ना जाने कितनी निर्धन की बेटियां गरीब की बेटियां मारी जा चुकी हैं और मारी जा रही है तो उन धनवानों से कहना है कि गरीब की बेटी पर जुल्म करने से अत्याचार करने से कभी तुम्हारी भी आत्मा को सुख और शांति नहीं मिलेगी और जिस प्रकार से आप किसी गरीब की बेटी को सता रहे हो उसी प्रकार से किसी दिन तुम्हारे भी जीवन में ऐसा दिन आएगा जो तुम्हारी भी संतानों को कष्ट मिलेगा और इसकी सजा तुम्हें अवश्य भोगने को मिलेगी इसलिए थोड़ी सी बात कहना है उन अत्याचार करने वाले लोगों से कि ये जो दहेज के नाम पर जो गरीब की बेटियों पर अत्याचार कर रहे हो ये अत्याचार ये जुल्म करना बंद कर दो जो माता पिता अपनी बेटी को जन्म से लगा करके
अनेक नाजों से पाला है, उसकी बेटी को जला करके जब खाक करते हो तो उस गरीब की आत्मा और उस बेटी के अंतिम समय की आही जो निकलती है वो तुम्हें कभी सुख और शांति नहीं देगी। इसलिए कहना है क्या, जब से दहेज राक्षस भारत में आए, जब से दहेज राक्षस भारत में आए, तब से भारत में अत्याचार छाए, गरीब लोग रामाय अपनी अपनी बिटिया माई, गरीब लोग रामाय अपनी अपनी बिटिया माई से ही योका घर से तुम्हारी बिटिया माई से ही योका। माई से ही योका घर से तुम्हारी बिटिया माई से ही योका घर से तुम्हारी बिटिया माई से ही योका घर से तुम्हारी बिटिया माई से ही योका घर से तुम्हारी बिटिया। बोली सच्चिदानंद भगवान की।